मैं जादूगर जे आर गोगिया सरकार। तो और मित्रों, देखते रहिए मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़, जो आपको संदेश देता है हर एक खबरों का। ये पुलिस पाठशाला का जो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो कार्यक्रम है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड कार्यक्रम है। भागलपुर में इसको अपार सफलता मिली और भागलपुर पुलिस के द्वारा अभी भी इसको कार्योवर किया जा रहा है। तो ये जो अनुभव है, इसका लाभ यहाँ के भी युवाओं को मिले, यही हमारी मंशा है। इसके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया है कि जो जहाँ के हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, जहाँ रहते हैं, उसी थाने में वो अप्लाई कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह का मार्गदर्शन चाहिए। यूपीएससी के लिए हो सकता है, बीपीएससी के लिए हो सकता है, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हो सकता है। हम लोग फोकस कर रहे हैं कि यहाँ के युवा जो हैं, उनमें दो तरह की समस्याएं पाई जाती है। एक है कि जानकारी रखते हैं और उनको थोड़े से गाइडेंस दे करके उनको सफलता के द्वार तक पहुँचाया जा सकता है। दूसरा होता है कि जिनको पैसे की कमी के कारण किसी अच्छे कोचिंग संस्थान तक पहुंच नहीं हो पाती है, वैसे बच्चों को हम तथ्यात्मक ज्ञान देंगे, सभी विषयों की पढ़ाई कराएंगे, हमारे रिसोर्स टीचर होंगे, पुलिस पदाधिकारी होंगे, सामान्य प्रशासन के पदाधिकारी होंगे, या फिर जो भी प्रोफेशनल टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेज में, या फिर कई एक लोग प्राइवेटली पढ़ाते हैं, वो भी चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको सहयोग किया जाए। तो ये पुलिस इसमें लीडर बन रही है, लेकिन पूरे मुजफ्फरपुर के जितने भी प्रगतिशील लोग हैं, शैक्षणिक लोग हैं, सभी से हम अपील करते हैं और उनका सहयोग हमको मिलता है। मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि जब भागलपुर में ये सफल हो सकता है तो मुजफ्फरपुर में बिल्कुल ये सफलता प्राप्त करेगी। और युवा लोग जो भटक जाते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उनको एक मार्गदर्शन यहाँ मिलेगा, विभाग की भी इनको मिल पाएगा। बिल्कुल, देखिए ये जाहिर सी बात है कि जो भी पदाधिकारी हैं वो कंपटीशन पास करके आए हैं, तो एक सफल उदाहरण के द्वारा, एक सफल व्यक्ति के द्वारा जब मार्गदर्शन दिया जाता है तो बहुत ही सटीक मार्गदर्शन होता है। ऐसी सफलता का मार्ग है जो सुनिश्चित हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि भागलपुर में जब सब इंस्पेक्टर की बहाली शुरू हुई थी तो कम्युनिटी क्लासेस चले थे, पुलिस पाठशाला चले थे वहाँ पर, और 1200 विद्यार्थियों का हम लोगों ने मार्गदर्शन किया था। उसमें से कई एक कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बच्चे निकले हैं और दरोगा के एग्जाम में जो अभी रिजल्ट विदेल है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें 84 बच्चे सफल हुए थे। ये पुलिस पाठशाला की एक बहुत बड़ी सफलता थी और उसी से उत्साहित होकर के यहाँ भी उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है। मैं जादूगर जे आर गोगिया सरकार और आपके शहर में पहली बार जादू के एक से बढ़कर एक नज़ारे को लेकर आया हूँ, जो आज दिनांक 28 दिसंबर को संजय सिनेमा हॉल ब्रह्मपुरा में भव्य शुभारम्भ इसका किया गया है, इनॉग्रेशन हो चुका है और बस इंतज़ार है आपके आने का, क्योंकि आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है जादू के एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज नज़ारे, जो आपको चौंका देगा और देखने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। रोज़ाना 3 खेल 300, दिन में 12:30 बजे, 3:30 बजे और संध्या 6:30 बजे। देखना ना भूले मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जे आर गोगिया सरकार।